मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। मैं हमेशा आपको अमेजिंग जानकारी देता हूं। दोस्तों मैं हूं सुप्रिया ग्लोबल एक्सिम का ओनर। दोस्तों आज एक बहुत से प्यारे और बहुत ही खूबसूरत देश भूटान के बारे में बताऊंगा। भूटान में क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। भूटान दोस्तों चाइना और इंडिया के बीच में एक छोटा सा देश है, बहुत ही प्यारा देश है। इसका जो लोकल स्थानीय नाम है, हम तो इंटरनेशनल नाम जानते हैं भूटान का, आपको बताता हूं, डुगलुयुल है दोस्तों भूटान का नाम। दोस्तों इंडिया से भूटान में आप इजीली जा सकते हैं, जैसे हम नेपाल में एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, भूटान में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भूटान में जो एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भूटान में दोस्तों आप इजीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल पास है हमारे बहुत से बिहार के लोग, यूपी के लोग नेपाल में भी एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो क्योंकि सीमाएं लगभग पास पास है, तो हम भूटान में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और भूटान के हमारे पॉलिटिकल रिलेशन बहुत अच्छे हैं दोस्तों। भूटान दोस्तों एक टूरिज्म कैपिटल भी है, एक छोटा सा देश है, बहुत खूबसूरत देश है, राजधानी इसकी थिम्पू है दोस्तों। ये यहाँ की जो भाषा है वो है जोड़खा, यहाँ की जो भाषा है वो है जोड़खा दोस्तों। जो आप रिपब्लिकन है दोस्तों, पहले ये रिपब्लिकन हो गया दोस्तों। क्षेत्रफल भी थोड़ा सा है दोस्तों, 47,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 6 लाख के करीब इसकी आबादी है। तो हम क्या चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि होटल इंडस्ट्रीज यहाँ पे है ज्यादा, इंपोर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों टूरिज्म के हिसाब से। हम जो होटल में जो आपकी जो वेजिटेबल्स है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हमारे पास टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दवाइयां एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और क्योंकि दोस्तों नेचुरिक कंट्री है, ये नेचर ज्यादा है इसमें, तो जो अगर मॉडर्न चीजों के लिए जो मशीनरी है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। इंपोर्ट क्या कर सकते हैं दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयां इंपोर्ट कर सकते हैं वहां से, हम आयुर्वेदिक दवाइयां इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों वहां से। जो दोस्तों जो ट्राइब्स के लोग होते हैं, जो ट्राइब्स के लोग होते हैं, जो वो वुडन से वो टोकरियां बनाते हैं, वो इंपोर्ट करके दोस्तों इसको हम यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छे मार्जिन पे बेच सकते हैं दोस्तों। जो ज्वेलरी है दोस्तों, जो स्टोन से ज्वेलरी बनती है, भूटान से इंपोर्ट करके उसको सिंथेसाइज करके हम यूरोपियन मार्केट्स में बेच सकते हैं दोस्तों। तो और एक्सपोर्ट में मैंने आपको बताया टूरिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों भूटान में जरूर एक्सपोर्ट कीजिए, हमारे 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड कीजिए। अगर हमारे 2 दिन की वर्कशॉप में आप नहीं भी आते हैं दोस्तों, तो हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और मेरी वीडियोज आप लीजिए, हम उसको पेन ड्राइव में एक बुकलेट देंगे, एक पेन ड्राइव देंगे दोस्तों, उसके साथ कुछ सर्टिफिकेट्स देंगे, डॉक्यूमेंट्स के फोटो, तो वो लीजिए दोस्तों, उससे आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप नहीं रखते हैं, बहुत दूर रहते हैं, मेरी क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो ये भी आपके पास दोस्तों इस तरीके से भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। तो भूटान में एक्सपोर्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, मैं दोस्तों आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कीजिए दोस्तों, हमारे वीडियोज जरूर देखिए। 190 कंट्री के बारे में आपको बता रखा है, तो वो जरूर देखिए, आपको काफी नॉलेज मिलेगी। और आप भूटान में एक्सपोर्ट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए और बात कीजिए दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच।